स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कांजाफोर क्षेत्र के बिजवाड़ रोड स्थित पाराशर पेट्रोल पंप के पीछे छुट्टन सेठ लोहारदा के घर डकैती डालकर लूटने की योजना बना रहे कोहिनूर गैंग के 6 बदमाशों को पुलिस ने दर दबोचा। कोहिनूर गैंग के बदमाशों के कब्जे से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखरी, खटकेदार चाकू, लोहे की रॉड, लोहे की चामी, बॉस का लट एवं काले नकाब मिले हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SP डॉक्टर शिवदयाल सिंह SP ऑफिस में प्रेस वार्ता में बताया कि शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात थाना प्रभारी कांटाफोर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बिजवाड़ रोड स्थित पाराशर पेट्रोल पंप के पीछे कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। थाना प्रभारी कांटाफोर के द्वारा अलग अलग पार्टी बनाकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान की घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के नकाबपोश व्यक्तियों को पकड़ा, जिनकी तलाशी लेते वक्त इनके कब्जे से 1 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, खोखरी, खटकेदार चाकू, लोहे की रॉड, लोहे की चामी, लठ, ग्लव्स एवं काले नकाब मिले हैं। सफ़ेद रंग की कार MP09CM7491 भी मिली है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 बड़े बैग भी मिले। पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि देवास सहित आसपास के क्षेत्रों में लूट की करीब 1 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। बदमाश इतने शातिर हैं कि फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, इसको लेकर वारदात करने के दौरान ग्लव्स का उपयोग करते थे। किस तरह घटनाक्रम का जो है कि देवास पुलिस ने खुलासा किया? देखिए, कांटाफोर्ड पुलिस ने आज एक ऐसे गैंग का गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देवास सहित आसपास के जिलों में लगातार लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। खास बात यह है कि हमने इस पूरे गिरोह को डकैती की योजना बनाते हुए और डकैती की घटना को अंजाम देने के टेस्ट पहले गिरफ्तार कर लिया। ये लगातार 3 दिन से एक बड़े व्यापारी के यहाँ पर रेकी कर रहे थे और रेकी करके उसको किडनैप करके और उसके घर में डकैती डालने का पूरा प्लान था। इसमें इनके पास 4 बड़े बैग, ग्लव्स मिले हैं, इनके मास्क मिले हैं और इसके साथ साथ 2 पिस्टल मिली हैं जिनके आधार पर डरा धमका कर और फायरिंग करके ये घटना को अंजाम देते थे। 8 चाकू मिले हैं इनके पास। 6 सदस्यीय गिरोह है जिसके पास 8 बड़े बड़े चाकू मिले हैं और 2 4-पहिया वाहन मिले हैं जो एक रिजर्व में इन्होंने रखा था किसी तरह के सामान को व्यक्ति को शिफ्ट करने के लिए। जैसे ये हमारे जिले में लगातार भ्रमण कर रहे थे तो हमारी एक टीम इनके पीछे लगी हुई थी जिसने इनकी मुखबिरी करके और इनको कल धर दबोचा। ये कोहिनूर गैंग के नाम से इन्होंने एक गैंग बनाया है जो लगातार इस तरह की चीज़ों के ऊपर घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अब हम ये तस्दीक कर रहे हैं कि हमारे जिले के अलावा और कहाँ कहाँ इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। प्रथम पूछताछ में इन्होंने लगभग 1 दर्जन घटनाओं में शामिल होना स्वीकार किया है। हम इनसे रिकवरी भी करेंगे जो पिछली घटनाओं में इन्होंने लूट या डकैती की घटनाएं अंजाम दी हैं और इनसे आगे पूछताछ जारी है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज के साथ। नमस्कार।